दोस्तों आज हम जा रहे हैं रणथंभौर की सफारी करने और आइए मजा लीजिए इस सफर का मेरे साथ। अभी जो है जीप रुकी हुई है, आगे है क्या? गाइस अभी हम हैं रणथंभौर और हम जा रहे हैं इसकी सफारी पर। यहाँ पर जो मुझे जानवर देखने को मिलेगा मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। तो यहाँ पर काफ़ी लोग जिप्सी ले सकते हैं या फिर आप कैंटर, एक बड़ा सा बस जैसा होता है, उसका भी यूज़ कर सकते हैं। राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। गाइस अभी हम निकल रहे हैं सफारी के लिए। ये मेरे साथ जो जो जावास जा रहे हैं उनके। अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं ट्रैवल एंड लाइफस्टाइल वीडियोस के लिए। रणथंभौर की सफारी टाइगर को देखने के लिए काफी फेमस है और यह राजस्थान में है। इस सफारी को आप या तो जीप से देख सकते हैं या फिर कैंटर से। जीप में 6 लोग सवार हो सकते हैं और कैंटर में 20। सफारी के 2 टाइमिंग्स हैं, या तो मॉर्निंग जो कि सुबह 6 बजे से 9:30 बजे तक होता है, और दूसरा दोपहर का जो कि दोपहर 2 बजे से 5:30 बजे शाम तक होता है। हमने दूसरा वाला यानी कि 2 बजे वाला सेलेक्ट किया। यह सफारी काफ़ी जोन्स में बटी हुई है, जैसे कि 1-6 या 6-10। तो हम लोगों को रेंडमली जो एलोकेट हुआ वो था जोन 7। हम लोगों का प्रेफर्ड जोन था 3, जो कि टाइगर वॉच के लिए काफ़ी फेमस है। हम लोगों ने यह सफारी की है जनवरी एंड में और यह अच्छा सीज़न है। रेनी सीजन में सफारी बंद हो जाती है, यानी कि जुलाई से सितंबर तक। कोई दिखेगा फिर? अगर वहाँ पानी भी है तो बाहर क्या लेना है? फुटप्रिंट या वार्निंग कॉल, एक ऑप्शन तो खत्म है अपने पास। फॉरेस्ट ऑफिसर के अकॉर्डिंग यहाँ पर 70 टाइगर्स हैं। हमने सीखा कि एनिमल्स को देखने के लिए बहुत पेशेंस, बहुत धैर्य की ज़रूरत है। आप जितना साइलेंट रहते हैं उतना एनिमल्स को देखने के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। रणथंभौर की एक फेमस टाइग्रेस थी जिसका नाम था मछली, जो कि जोन 3 में थी, जिसकी वजह से वह जोन काफ़ी फेमस हुआ और वह एक एवरेज टाइगर से ज़्यादा जी थी, जैसे कि लगभग 20 साल। इस जंगल में अराउंड 30 काइंड ऑफ मैमल्स आपको मिल जाते हैं देखने के लिए। रणथंभौर में काफ़ी एनिमल है टाइगर के अलावा, जैसे कि लेपर्ड, एलिफेंट, बफेलो, गौर, नील गाय, ब्लैक बक, छिंकारा, वाइल्ड बोर, सांबर, इवन बियर। रोड के दूसरी पार वह दूसरा जोन है और टाइगर कई बार इस रोड को क्रॉस करता है और लोगों को दिख जाता है रास्ते में।
हम बेसब्री से टाइगर का इंतज़ार करते करते हर जगह निगाहें लगा रहे थे। जीप काफ़ी पथरीले रास्तों से चलती है और कभी कभी डर भी लगता है सोचकर अगर टाइगर सामने आ जाए तो जीप तेज भी नहीं भाग सकती। अब जो भी हो, टाइगर दिखे ना दिखे, मगर हमें जंगल सफारी में जो नज़ारे दिख रहे थे उनको देखकर भी बहुत मज़ा आ रहा था। बैठे बैठे काफ़ी थक चुके थे क्योंकि अराउंड 2 आवर्स हो गए थे और जीप काफ़ी पथरीले रास्ते पर चल रही थी और हम थोड़े से डिसअपॉइंटेड थे क्योंकि हमें टाइगर नहीं दिखा। तभी अचानक ड्राइवर ने गाड़ी को रोक दिया। बहुत सुंदर, बहुत हेल्दी एक लेपर्ड अचानक हमारे सामने आया था और वह इतना शाय था कि हमको देखकर जल्दी से झाड़ में गायब हो गया। हमने काफ़ी देखने की उसको दोबारा कोशिश की पर वह नहीं मिला। ड्राइवर ने उसको फॉलो भी करने की कोशिश की। थोड़ा आगे जाकर ड्राइवर ने बताया यहाँ पर इस खाई में हमको तेंदुआ फिर से देखने को मिल सकता है क्योंकि वहाँ पर ब्लैक बक के चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी और उसने बताया कि वह लेपर्ड अब शिकार करने को निकला है। सुनो
अच्छा कुछ देखा हम सब लोग टाइगर को देखने के लिए वेट कर रहे हैं यहाँ पर यहाँ पर दूसरी जीप भी है वहाँ के लोग भी रुक गए हैं यहाँ पर और यहाँ पर ना सांबर के चिल्लाने की आवाज गूंज रही है मास्टर आ जाइए। कुछ देर रुकने के बाद हम फिर से जीप में सवार हो गए और आगे बढ़ चले। ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था किसी लेपर्ड को उसके नेचुरल हैबिटेट में देखने का और अब हम काफ़ी उत्साहित थे कि पता नहीं कौन सा जानवर आगे दिखने वाला है। मेरे सजेशन से आप सफारी को ऑनलाइन ना बुक करें और वहां जाकर ही टिकट लें जिससे कि आपको इत्मीनान रहेगा कि आप जिस जोन की सफारी करना चाहते हैं वही जोन की टिकट आपको मिलती है और वह भी काफ़ी सस्ती। तीतर है ये, तीतर के आगे दो तीतर वही है। मेरे पीछे बहुत खूबसूरत नजारा ये देखो। शाम हो रही है और नज़ारा बहुत खूबसूरत है। ये रणथंभौर। फाइनली हमने एक लेपर्ड देखा और आई होप यू एंजॉयड द वीडियो और हो सके तो उसको शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और मेरी आपसे ये रिकमेंडेशन रहेगी कि आप जोन 3 को सिलेक्ट करें रेदर देन जोन 7।